गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के बारे में। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ रूल, तीन रूल हमने डिस्कस कर लिए थे, उनको भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कोई भी, जैसे मैं लेता हूं 12.64 ही लेता हूं मैं। 12.64 किसी का मेजरमेंट दिया हुआ है, ग्राम, किसी का भी मास का इतना मेजरमेंट दिया हुआ है। हैव्स कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 कैसे हैं? 1 2 3 4। सेकंड रूल है अपना जीरो, जब आती है लेफ्ट में, पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में आती है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अ जीरो, पहले ये रूल डिस्कस कर लेते हैं। ए जीरो प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एक जीरो पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में आती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जांपल ले सकते हैं, 0.008 लेता हूं मैं। एग्जांपल 0.008 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 हुआ क्योंकि ये लेफ्ट वाली जीरो है, जो पहला नॉन जीरो ये हुआ, नॉन जीरो है, 8 है, इसे लेफ्ट में जितनी भी जीरो आएंगी दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल आता है, जीरो सिग्निफिकेंट होगी जब ये दो नॉन जीरो के बीच में हो। थर्ड, ए जीरो इज सिग्निफिकेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो। जैसे है, एग्जांपल लेते हैं, 2.104 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वो रूल क्या है, जितनी भी ट्रेलिंग जीरो है या जीरो राइट में रखी जाती है डेसिमल के, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है जब नंबर 1 से ज्यादा हो। जब नंबर क्या हो? 1 से ज्यादा। अ जीरो प्लेस्ड कहां पे रखी गई है जीरो? टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1। जब नंबर क्या हो? 1 से ज्यादा हो। एग्जांपल ले सकते हैं, अगर नंबर 1 से कम हुआ, अगर नंबर 1 से कम हुआ, चलो पहले इसके बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, 0.2860 या 22.00 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर नंबर क्या होता है? 1 से कम होता है,
only zero to the right of first significant zero are significant. सिर्फ वही जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं, 0.2680 हैज, क्या बताया, ये नंबर एक से कम है, ये तो 22 था, एक से ज्यादा था, ये नंबर एक से कम है, जीरो पॉइंट है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। कितने हैं इसके पास, 3 सिग्निफिकेंट रूल, ये रूल काफी यूजफुल है। उसके बाद ऑल जीरो राइट में होगा, जैसे हम बात करते हैं 100 की, अगर डेसिमल ही नहीं है नंबर में, जितनी भी जीरो है राइट में, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिफ्थ रूल करते हैं इसमें, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो इन ए नंबर नॉट हैविंग डेसिमल, इस नंबर के पास डेसिमल नहीं होना चाहिए, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब कहेंगे ये रूल कुछ समझ में नहीं आया, जितनी भी जीरो है राइट में, पहला नॉन जीरो है, इसके राइट में जितनी भी है, राइट में कंडीशन क्या है, डेसिमल नहीं है इसके पास, ठीक है, तो वो क्या होंगी, हो भी सकती है सिग्निफिकेंट और नहीं भी। एग्जांपल लेते हैं, 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों ऐसा क्यों हुआ, डेसिमल नहीं है। अब कहेंगे फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है, दैट्स व्हाई अ नंबर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन करवाई थी भी, डेसिमल एक प्लेस के बाद होगा, वो इसी वजह से करवाई थी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। अगर मैं 100 को लिख देता हूं 100.0, इसके पास कितने हो गए अब, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 1 से ग्रेटर हो गया नंबर, 100 1 से ग्रेटर है, मैंने ये रूल यहां पे करवाया था, 0 राइट में डेसिमल के राइट में अगर है तो वो सिग्निफिकेंट है। कंडीशन क्या है, ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए इधर, अगर ये 1 से लेस है 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी राइट में, क्लियर है, ये सभी रूल है। अब जो अपना सिक्स्थ रूल है, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से करवा रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। सिक्स्थ, वैसे तो 4 रूल दिए हैं एनसीईआरटी में, हम सिक्स्थ रूल डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ रूल क्या कहता है हमें, अगर कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, सिर्फ उसी के सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे। क्या है सिक्स्थ रूल, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या हो गया, जैसे नंबर ऑफ 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.023, लेटरली हम डिस्कस करेंगे, मैं एक नंबर ही ले लेता हूं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वही हमें सिग्निफिकेंट फिगर देगा, द न्यूमेरिकल पोर्शन विल गिव द सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे है 6.023 10 की पावर 23। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तभी तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। वैसे तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं, इसके 10 की 23 आगे 000 लगा सकता हूं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन को ध्यान रखने के बाद ही हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। इसके पास कितने हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ओनली 4, क्लियर है। अब कोई एग्जैक्ट नंबर है, तो ये एग्जैक्ट नंबर अपना, एग्जैक्ट नंबर के पास हमेशा इन्फिनिट
क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर. एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे 4 है, 4 के आगे मैं कितनी भी जीरो लगा लू, डेसिमल रख के 10 जीरो लगा ली मैंने, 10 की 10 सिग्निफिकेंट हुई क्योंकि ये नंबर 1 से ग्रेटर है. एक मैं ठीक है, तो इसके पास कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं. एक बार मैं इनको सभी को रिवाइज करवाऊंगा दोबारा. सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जितने भी 1, 2, 3, 4, 5. दूसरा जीरो सिग्निफिकेंट है कब? जब वो 2 नॉन जीरो के बीच में हो. तीसरा लेफ्ट में जितनी भी जीरो आएंगी, पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में कितनी भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी. राइट की, राइट में कंडीशन है अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल है और डेसिमल से पहले वाला डिजिट 1 से ज्यादा है, पहले वाला नंबर 1 से ज्यादा है, तो सभी जीरो सिग्निफिकेंट होगी. जैसे मैंने ये एग्जांपल करवाया था 100.0000, कितने सिग्निफिकेंट है, ये सारी सिग्निफिकेंट होगी, 4, 5, 6, 7 हो गए. लेकिन अगर ये नंबर 1 से कम है, 0.2680 ले लिया, इसके पास कितने, सिर्फ 0, दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट. उसके बाद हमने रूल किया था एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसमें सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. और एक और बताया था मैंने कि जो नंबर है वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में हो, तभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकेंगे. अभी एक मेथड मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा जो काफी यूजफुल है मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. वो मेथड क्या है, इसके कुछ एग्जांपल आप घर से करेंगे, ट्राई करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर एनसीईआरटी की बुक में आपको बहुत सारे दिए होंगे, उनको आप ट्राई करेंगे. यूनिट एंड डायमेंशनल, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस. ये प्रॉब्लम आपको फिफ्थ क्लास से आ रही है, आप फिफ्थ क्लास से इसी प्रॉब्लम पे हैं. अब मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ. मान लिया एक पीस है मेटल का, 5 इंच का है वो, सेंटीमीटर में उसकी लेंथ निकालनी है. या इसे सिंपल लेता हूं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ही ले लेते हैं. कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर. आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये तो पता होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. लेकिन आप कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि आप 100 से इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें. सबसे मेन जो प्रॉब्लम है बच्चों की यही है. तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं. आप सबसे पहले क्या करें, एक कन्वर्जन यूनिट फैक्टर आता है, यूनिट फैक्टर बोलते हैं हम. यूनिट फैक्टर का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो. सबसे पहले 1 मीटर किसकी इक्वल है, 100 सेंटीमीटर. ये हो गया जो सभी को पता है. अब यूनिट फैक्टर निकालना है हमें, किसको कैंसिल करना है, सेंटीमीटर को. इसमें ऊपर है सेंटीमीटर, नीचे लेंगे तो यूनिट फैक्टर क्या आएगा, यूनिट फैक्टर 1 रह जाएगा इधर. यूनिट फैक्टर किसको बोलते हैं, 1. ये इधर आके डिवाइड में 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, ये अपना यूनिट फैक्टर बन गया. अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, 5 सेंटीमीटर को. 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सभी की मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है. 1 की जगह मैं यूनिट फैक्टर रख सकता हूं, क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर. तो क्या हुआ, ये 0.05 मीटर. ये काफी यूजफुल है मेथड, ठीक है. अब कुछ कन्वर्जन जो अपने हैं वो आप करके देखेंगे. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए पीस ऑफ मेटल इज 5 इंच लॉन्ग. ये मैंने सिंपल लिया थोड़ा, ए पीस ऑफ मेटल इज 5 इंच लॉन्ग, 5 इंच लंबा है, ठीक है. कैलकुलेट इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर.
इन सेंटीमीटर। सॉल्यूशन क्या है आपको पता है क्या? 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। कन्वर्जन फैक्टर यूज करने के लिए आप किसको कैंसिल करना, आपने इंच को, इंच को मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा, इधर बचेगा 1। यूनिट फैक्टर बोलेंगे किसके इक्वल आएगा, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। अब किसको कन्वर्ट करना है, 5 इंच को, 5 इंच को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। 5 इंच इंटू 1 सभी की मल्टीप्लाई में होता है, 1 की जगह यूनिट फैक्टर, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच, इंच से इंच कैंसिल, क्या बना ये, 5 4 20 2 5 5 25 7 2 5 2 10 12, इतने सेंटीमीटर हुए। तो ये मेथड काफी यूजफुल है। अब मैं कुछ कन्वर्जन फैक्टर आपको लिखवा देता हूं, वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जैसे कि लेंथ के हो गए जो काफी काम भी आएंगे आपके, उनमें है जैसे एंगस्ट्रोम दिया है, एंगस्ट्रोम का क्या मीनिंग है, इंच का क्या मीनिंग है, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, माइल में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर, कुछ कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको लिखवा देता हूं जिनका यूज आप कर सकेंगे। लेंथ के लिखते हैं, सम यूजफुल कॉमन कन्वर्जन फैक्टर, लेंथ के लिए लिखते हैं पहले, लेंथ के लिए, लेंथ में सबसे पहले आएगा 1 एंगस्ट्रोम, पढ़ा हो शायद आपने, ये नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखेंगे 1 एंगस्ट्रोम आगे डिस्कस होगा। ये वेवलेंथ की यूनिट है 1 एंगस्ट्रोम, कितना हुआ ये 10^-10 मीटर, इसके इक्वल होता है। और जो नैनोमीटर है, नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10^-9 के, 10^-9 के, अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूं 10^-9 × 10^-1 लिख सकता हूं मीटर, इसकी जगह नैनो आ गया, 10^-1 नैनोमीटर। ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं, मैं नैनो, पीको, टेरा, जेटा, योटो सब आपको डिस्कस करवा चुका हूं। उसके बाद आएगा 1 इंच, ये मैं अभी मैंने यूज किया है, 1 इंच किसके इक्वल हुआ, 2.54 सेंटीमीटर, ये भी अभी अभी हमने यूज भी किया था इस फैक्टर का, 1 माइल मील, ठीक है, किसके इक्वल होता है ये, 1609.3 मीटर, ठीक है। इतने की आपको जो रनिंग भी करवाते हैं शायद, जो एयरफोर्स की रनिंग है वो 1600 मीटर की बोली जाती है, 1 मील की होती है, अगर हम लिखें इसको किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेशन कर, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिए हैं, 1 लीटर डिस्कस कर चुके हैं हम इनको पहले, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिली लीटर, और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 लीटर के, इनका भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं मास के, मास के कन्वर्जन आते हैं, मास के कन्वर्जन में सबसे जो यूजफुल है, वैसे तो हम लेटरली उसको डिस्कस करेंगे, 1 amu होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1.66 × 10^-24 ग्राम, इतने ग्राम होंगे इसमें, ठीक है। 1 पाउंड है, पाउंड को LB भी बोला जाता है, 1 पाउंड, पाउंड को क्या बोला जाता है, LB, इसका सिंबल है, इसमें 453.6 ग्राम होंगे, 453.6 ग्राम, इतने ग्राम का 1 पाउंड होता है, ठीक है। अब प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रेशर, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप इनमें से कितने को याद कर सकते हैं। मेन जो है, मेन मैं आपको टिक कर दूंगा, ये मेन है, ठीक है, इधर ये मेन है, ये मेन है,
ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, बाकी आप अपनी जीके के लिए जितना ज्यादा पढ़ेंगे मैथ्स के लिए भी काफी यूजफुल है ये। प्रेशर, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसमें 760 टोर होते हैं, जिसको हम 760 mm ऑफ HG भी बोलते हैं, 760 टोर। और उसके बाद आता है एनर्जी, एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे वन कैलोरी किसके कुल होगी 4.184 जूल, किलो जूल में बदलना है तो आप इसको किलो डिवाइड करेंगे, 10^-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं तक करेंगे आप। अब मैं किसी कन्वर्जन फैक्टर को करने के लिए देता हूं कन्वर्ट, 2.5 kg इंटू पाउंड। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि केजी दे दिया लेकिन फैक्टर तो हमारा ग्राम और पाउंड का लग रहा है, तो आप क्या करेंगे इसको ग्राम में बदल लेंगे और फिर यूनिट फैक्टर यूज करेंगे। दूसरा है कन्वर्ट किलोमीटर इंटू माइल। तो ये आपने देखने हैं, ये वेरियस कन्वर्जन फैक्टर है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सजेशन है, सजेशन कैसे हो सकती है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई और फैक्टर है कि थोड़ा स्पीड स्लो करें और डिटेल से और एक्सपेंड करके इसको समझाएं, तो आप अपनी सजेशन मुझे YouTube पे दे सकते हैं। थैंक यू।